एक बहुत बड़ी समस्या जो फील्ड में हमें सुनने को मिलती थी कि 2005 के बाद कभी भी किसी भी सरकार ने नए राशन कार्ड नहीं बनाए हैं। तो हमारे पास भी ये समस्याएं खूब आती थी। लोग अपने गले पटे हुए राशन कार्ड हमें दिखाते थे, तो हमने डिपार्टमेंट के तौर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया कि इस प्रकार की कंप्लेंट आ रही है, शिकायतें आ रही है, तो ये राशन कार्ड हमने नए बनाने चाहिए, तो हमने लगभग 80 लाख राशन कार्ड नए छाप करके वो सारे के सारे हमने अपने डिपार्टमेंट में भेज दिए हैं। और जो भी अपना नया राशन कार्ड किसी को भी बनवाना है, वो जो हमारे कम्युनिटी सर्विसेज सेंटर हैं या ऑनलाइन जा करके वो अपना राशन कार्ड जो है ना अपलोड उस पर अपना अपलोड कर दे, और लगभग 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन के अंदर उनका राशन कार्ड हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से हम उन लोगों को बना करके देते हैं। 80 लाख जी, 80 लाख राशन कार्ड हमने टोटल बनवाए थे, जिसमें से हमारे पास 26 लाख कुछ जो संख्या है वो बीपीएल परिवारों की, उसमें AA के हो गए, उसमें बीपीएल परिवार हो गए, और उसमें OPH है। जो ये AA है, इसका रंग जो है राशन कार्ड का वो पिंक कलर का है, और जो बीपीएल परिवार है उसके राशन कार्ड का रंग हमने पीला रंग रखा है। जो OPH है उसका खाकी कलर का रंग दिया है, और जो APL है जिस पे कुछ भी सुविधा नहीं मिलती उसका जो है ना ग्रीन कलर का वो राशन कार्ड छाप करके, ताकि उन लोगों को भी वो राशन कार्ड मिल जाए जिन लोगों के खराब हो गए। तो ये हमने सारे छाप करके छपवा करके और सारे के सारे हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमने पहुँचवा दिए, और जहाँ भी जो भी बेनिफिशरी अपना वो सिस्टम के माध्यम से वो जा करके अपना राशन कार्ड नया बनवा सकता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमने जो गैस के कनेक्शन दिए हैं वो मैंने अभी आपके सामने बताया कि 5,12,000 राशन ये अपने गैस के कनेक्शन हमने पूरे हरियाणा में देने का काम किया है, और अभी भी हमारी ये स्कीम जो है हमने इसके 31 मार्च 2019 तक हमने इसको एक्सटेंड किया है, ताकि जो भी लोग इससे अभी बचे हुए हैं वो जाकर के अपना जो गैस का चूल्हा वो डिपार्टमेंट के माध्यम से गैस एजेंसियों से ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक समस्या हमारे सामने, जो हमारा डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है ब्रिक्स किलन, लगभग 2700 के आसपास ब्रिक किलन हरियाणा के अंदर हैं, और 2014 के अंदर जब हमारी सरकार बनी तो उस समय आपको याद होगा दिल्ली के अंदर कई दिन तक लगातार धुंध सी छाई हुई रही थी, कोहरा टाइप जो है लेयर बनी रही, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान थे और घुटन महसूस कर रहे थे कि ये पॉल्यूशन हरियाणा की वजह से एक पॉल्यूशन हुआ है, और यहाँ तक कि इसके लिए जुम्मेवार भी हरियाणा को उठाया गया था, ठहराया गया था। तो हमारी सरकार ने, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट भट्ठों को कंट्रोल करता है, किसानों के लिए भी ये एक वार्निंग दी गई थी कि वो अपने जो अवशेष हैं, जो फसलों के अवशेष हैं, उनको ना जलाएं, और साथ में भट्ठों के लिए भी इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी। तो हमने अपने पॉल्यूशन कंट्रोल के साथ मिलकर के जितने भी हमारे भट्ठे हैं, एक बार तो हमारे इन भट्ठों पर कुछ थोड़ा संकट भी आया था शुरुआती दौर में, जब हमारी सरकार बनी थी कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, और जो 300 और 500 मीटर की परिधि में जो भट्ठे थे उनके लिए तो ये तय हो गया था कि इन भट्ठों को बंद करना पड़ेगा। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अगर किसी भी काम कहीं भी कोई डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले हमें ईंट की जरूरत पड़ती है। भट्ठा उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है, और इसके साथ जो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, मजदूरों को रोजगार मिलता है, तो उनके ऊपर भी एक संकट छाया हुआ था कि अगर ये भट्ठे बंद हो गए तो काफ़ी लोग जो है ना बेरोजगार हो जाएंगे, ईंट बड़ी महंगी हो जाएगी, लोगों को ईंट नहीं मिलेगी, और उस समय तो जो माइनिंग थी वो भी बंद थी, माइनिंग बंद होने की वजह से भी कई प्रकार की परेशानियां हो रही थी। तो हमने भट्ठों को बचाने के लिए एक नई टेक्निक जो है जिगजैग टेक्नोलॉजी, हमने उसको जो है ना उसके ऊपर सारा काम किया और उसका सारा मॉडल तैयार करवा करके अपने भट्ठा एसोसिएशन और सारे अपने जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दूसरे अन्य डिपार्टमेंट सब के साथ मिल करके जब हमने तय किया, तो पूरे हरियाणा में ये स्कीम हमने लागू की है, जिससे सभी भट्ठों में जो है ना आज कोई पोल्यूशन नहीं होता। इससे जो है ना पोल्यूशन में बहुत बड़ी कमी आई है, लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला जो है ना ये हमारे डिपार्टमेंट ने किया है। अर्थ प्रकाश, वेब टीवी।